माय नेम इज मोमिता, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं दैन माय रेगुलर वीडियोस, और आज मैं आपके साथ ना 7 डिफरेंट लुक्स शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को मेरी स्टाइलिंग वीडियोस पसंद होता है बंगाली चैनल पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं इस चैनल पे, क्योंकि मेकअप वीडियोस शायद आप लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो लेट्स डू समथिंग एल्स। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ 7 डिफरेंट आउटफिट्स डिफरेंट लिपस्टिक के साथ डिफरेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ, और मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी विथ कुर्तीज़, क्योंकि मुझे पर्सनली कुर्तीज़ पहनना ज़्यादा पसंद है और कुछ बहुत वेस्टर्न वेयर भी है। मान लो आपके पास एक बहुत ही सिंपल कुर्ती है, उसको ही आप करेक्ट ज्वेलरी एंड करेक्ट लिप शेड वेयर करके ना बहुत अच्छा एक लुक दे सकते हो उस कुर्ती को। तो कैसे करना है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखना। आज के जो भी ड्रेसेस होने वाले हैं सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है, सब डिटेल्स मैं शेयर करूँगी। उससे पहले बता दूं कि आज के जो भी लिपस्टिक्स रहने वाले हैं ना, ऑल आर फ्रॉम वन सिंगल ब्रांड, दैट इज मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। मुझे ये लिपस्टिक इतना ज़्यादा पसंद है ना, ओ माई गॉड, मैंने इसे पहले भी आप लोगों के साथ फुल डिटेल रिव्यू शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट आज की जो वीडियो है वो मेरी सेकंड रिव्यू रहने वाला है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट रियली लॉन्ग टाइम। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक लगाना पसंद है बट लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ये अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बट आपको मैट भी चाहिए, तो इन दैट केस यू मस्ट ट्राई दीज लिपस्टिक्स। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा है ये वाला प्रोडक्ट ना, आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के तुरंत बाद लाइक 30-40 सेकंड्स के अंदर ये एकदम ड्राई हो जाता है, मैट हो जाता है, स्मच प्रूफ है ये एकदम। कलर्स जो है ना, ओ माई गॉड, कलर्स मैं आपको दिखाऊंगी ही इस वीडियो पे अप्लाई करके कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। ये एक ऐसा लिपस्टिक शेड है ना कि जहाँ पे सभी कलर्स मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था। ये लिपस्टिक ना बहुत ही लाइट वेट है और नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, ये आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 12 आवर्स तक ये लॉन्ग स्टे करता है एंड 8 आवर्स तक ये आपके लिप्स पे मॉइस्चर को लॉक करता है। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया ना ये लिपस्टिक, देन यू मस्ट ट्राई यार, एक बार जाके चेकआउट कर लो, एटलीस्ट एक लिपस्टिक का परचेज के देखो। स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न वेयर से। सबसे पहले मैंने स्टाइल अप किया है ये एक ब्लू कलर की हाई नेक टॉप, जो स्लीवलेस एक टॉप है, इसको आप एज ब्लाउज भी वेयर कर सकते हो, एज टॉप वेयर कर सकते हो, आप इसको कोई भी शर्ट के नीचे पहन सकते हो, बहुत डिफरेंट वे में आप इसको कैरी कर सकते हो। ये मैंने अमेजोन से लिया था और इसका प्राइस करीबन 300-400 के आसपास था। इस ब्लू टॉप के साथ स्टाइल अप करने के लिए मैंने ये एक पैंट जीन्स वेयर किया है, ये एक बूट कट जीन्स है फ्रॉम द ब्रांड लिवाइज। मैंने ये डायरेक्ट स्टोर से जाके परचेज किया था। टॉप एंड जीन्स तो पहन लिया है, आप कुछ ज्वेलरी भी पहन लेते हैं तो ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे एक रेनबो पेंडेंट में बहुत ही क्यूट सा मेरे पास एक नेकलेस था, वही मैंने वेयर किया है। एंड ये आप देख सकते हो गोल्डन चेन के साथ है, तो क्योंकि गोल्डन चेन के साथ है तो इसके लिए मैंने गोल्डन टॉप्स भी वेयर किया है। एंड फॉर ईयरिंग आई वेंट फॉर दिस वन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रोडक्ट है विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड जीवा। ये आप जीवा से परचेज कर सकते हैं, इसका प्राइस विद इन 1000 रुपीज़ आता है। मिडल में एक पर्ल है, बहुत ही सुंदर है ये वाला सेट। एंड साइड में आप देख सकते हो गोल्डन कलर की कुछ डिज़ाइन किया हुआ है लाइक दिस, बहुत बहुत सुंदर है ये वाला प्रोडक्ट। तो लिपस्टिक के लिए आई वेंट फॉर द शेड 01, दैट इज़ अ न्यूड शेड, दिस इज द शेड। ओ माई गॉड, ऑल ऑफ द शेड्स आर अमेजिंग, आप देख सकते हो वीडियो पर कितना अच्छा लग रहा है ये मेरे ऊपर, ये जो पर्टिकुलर शेड है। ऑफिस में ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डीप लिपस्टिक तो पहन नहीं सकते हो, तो उसके लिए आप ऐसा न्यूड शेड्स परचेज करके देख सकते हो। ऐसा शेड है ना ये सब कि सबके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इस लिपस्टिक में जो की इंग्रीडियंट्स हैं वो है एवोकाडो ऑयल, जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, एंड द लिपस्टिक ऑल्सो कंटेन विटामिन ई दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट पिगमेंटेशन। दिस इज द शेड इज अमेजिंग, बहुत अच्छा ये वाला शेड। लुक नंबर 2 के लिए ना मैंने एक चिकन करी कुर्ती स्टाइल अप करके दिखाया है। चिकन करी कुर्ती इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरे पास 3 टोटल चिकन करी कुर्तीज है, बट मैंने आज एक ब्लैक कलर की स्टाइल करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट इसके अंदर पहनने के लिए आपको एक ऐसा इनर वेयर भी मिल जाते हैं, वाइट एंड ग्रे के साथ पूरा काम किया हुआ है सामने पोर्शन पे, एंड आपको स्लीव में भी ऐसा वर्क मिलता है। नाउ इसके साथ आप कोई भी वाइट कलर की सिगरेट पैंट वेयर कर सकते हो, ठीक है। बट आज मैंने एक जीन्स के साथ इसको स्टाइल अप करके दिखाया है, ये भी लिवाइस का है, इसका प्राइस 3799 रुपीज़ है। ये मैंने लिया था लिवाइस स्टोर से ही। तो ज्वेलरी के लिए मैंने ये झुमका वेयर किया था। आप इस लुक के साथ ना कोई
भी बिग झुमका अगर पहनते हो, ब्लैक पॉलिश का हो या फिर ऑक्सीडाइज का हो या फिर जर्मन सिल्वर का हो, बहुत अच्छा लगेगा। नाउ टू कंप्लीट द होल लुक, मैंने वेयर किया है 02 नंबर लिपस्टिक। ओ माई गॉड, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। दिस इज द शेड एज यू कैन सी हियर। अब मैं आपको एक स्वॉच करके दिखा देती हूँ। ये एक वाइन कलर है। आप इस लुक के साथ कोई भी न्यूट कलर भी पहन सकते हो, लाइक द शेड 01 या फिर द शेड 09 जो मैंने यहाँ पे पहना है। बट आई वॉन्टेड टू गो फॉर सम डार्क शेड, दैट्स वाई मैंने ये 02 जो शेड है वो यूज किया है यहाँ पे। तो लुक नंबर 3 के लिए मैंने ये एक फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता सेट पहना है। दिस इज द पैंट। ये आपको कॉटन मटेरियल में ही पैंट मिलता है, इसके साथ एक दुपट्टा भी आपको मिलता है। ड्रेस तो एकदम रेडी है, फुल कुर्ता सेट आपके पास है, अब इसको कैसे हम स्टाइल अप करें। तो ज्वेलरी के लिए मैंने ये पहना है, ये सिल्वर रेप्लिका में बार्ड इयररिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी मेरी ज्वेलरी स्टोर से ही है, तो आपको अगर लेना है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये बहुत लाइट वेट है एंड इस लुक के साथ ना बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको थोड़ा सा हेवी लुक चाहिए तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ ब्लैक पॉलिश का झुमका। अब आते हैं लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक के लिए मैंने एक पिंक कलर की ही लिपस्टिक चूज किया है, विच इज इन द शेड 03। ऑल दी शेड्स आर अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है शेड्स एंड लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लिपस्टिक है इंटैक्ट है स्टिल नाउ, इट्स बिन मोर देन 1.5 आवर्स की मैंने इसको पहना है। अगर आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल आता है तो आप वो ट्राई कर सकते हो विद दीज लुक्स। मुझे नहीं आता है तो इसके लिए मैंने स्किप कर दिया है हेयर स्टाइल। फॉर लुक नंबर 4 मैंने ये एक ट्यूनिक टॉप को स्टाइल अप किया था। दिस वॉज फ्रॉम Amazon, मैंने Amazon हॉल पर दिखाया था। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉटन का ट्यूनिक टॉप है, ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन पे। सामने आपको ऐसे प्लीटेड डिजाइन मिल जाते हैं एंड यहाँ पे है कुछ वुडन बटन्स। इसके साथ स्टाइल अप करने के लिए मैंने ऑब्वियसली एक ब्लैक कलर की जीन्स ही लिया था, जो मैंने पहले आपको दिखाया है ब्लैक जीन्स, वही सेम जीन्स मैंने पहना है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे वीडियो पे। ज्वेलरी के लिए मैंने एक बैंगल पहना था। दिस इज अ हैंडमेड फेब्रिक बैंगल जो आपको मेरी बिजनेस स्टोर पे मिल जाएंगे। अब अगर बात की जाए लिपस्टिक की, तो मैंने यहाँ पे पहना है शेड नंबर 04, दैट इज 1 शेड लाइटर देन द शेड 01। सबसे पहले तो मैंने एक ब्लैक पॉलिश का घुंघरू फिंगर रिंग पहना है, सिल्वर रेप्लिका में स्टार्ट पहना है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो वीडियो पे, मैं यहाँ पे लेके बैठना भूल गई, उसके लिए आई कैन शो यू राइट नाउ। Now for the next look, I have one more kurti look to share with you guys. तो उसके लिए ना मैंने ये एक polyester material में कुर्ता पहना है and इसका जो sleeve है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हो। इसके साथ नीचे यहाँ पे tassel भी लगा हुआ है, look so so nice. आप देख सकते हो मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। इसके साथ style up करने के लिए ना मैंने एक चिकनकारी सिगरेट पैंट भी पहना है, जो कि वाइट कलर में है। तो ये है चिकनकारी पैंट, मैंने ये कहाँ से लिया था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मुझे मीशो से ही एक कुर्ता सेट के साथ सेट में मिला था। ये मल्टी कलर्ड कुंदन स्टोन की एक झुमका है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही लाइट वेट है। पहनने के बाद आप देख ही सकते हो कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। एंड इसके साथ अगर बात किया जाए लिपस्टिक की, तो मुझे इसके साथ भी एक पिंक न्यूट कलर की लिपस्टिक चाहिए था। सो दिस इज़ द शेड, मैं आपको एक स्वॉच करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये एक पिंक न्यूट शेड है। शेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, तो सभी स्किन टोन के ऊपर ये अच्छा ही लगने वाला है, बी इट फ्रॉम लाइट मीडियम टू डस्की। बिफोर जंपिंग इन टू द नेक्स्ट स्टाइल, मैं आपके साथ दो शेड्स शेयर कर देती हूँ। द फर्स्ट वन इज 06, दैट इज कॉल्ड मेलॉन रेड। ये एक ऑरेंजिश रेड शेड है, दिस इज द शेड, ठीक है। एंड वन मोर शेड इज देयर, विच इज अ चेरी रेड कलर, दिस इज द शेड, दिस इज माई फेवरेट। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक कैजुअल लुक शेयर करना चाहूंगी, दैट इज विद दिस। ये मैंने लिया था फ्रॉम Ajio, दिस इज इन द साइज S 87 cm एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड टीम स्पिरिट। मे बी आपको अभी ये मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत पुराना एक टी शर्ट है। आपको ब्लू के साथ यहाँ पे व्हाइट एंड एक बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके साथ टाई अप करने के लिए मैंने लिवाइस का जो ये स्किन फिटेड जीन्स है वही पहना है, दिस इज द जीन्स। मैंने ये एक बहुत ही क्यूट सा आउल स्टड पहना है यहाँ पे। तो इसके साथ मैंने लिपस्टिक पहना है शेड नंबर 08 पिंक ट्यूलिप, दिस इज अ मॉव कलर, आई होप दिस इज विजिबल।
आपको कैसा लगा जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला शेड। तो अब बारी आता है आज की लुक नंबर 7 की। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुर्ती, दैट इज दिस वन। ये जो है ये मेरी फेवरेट एक कुर्ती में से एक है, आपको कैसा लगा जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। ये एक लेमन येलो कलर की कुर्ती है विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड कोशकृति। मैंने ये मीशो से लिया था, बट मे बी ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसके साथ स्टाइल अप करने के लिए मैंने वही सेम ब्लैक पॉलिश का झुमका पहना था, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई झुमका अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए मैंने यही पहना है। एंड ये जो है ना बहुत ही लाइट वेट एक झुमका है, देख के शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी होगा, बट नो 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 Not at all, बहुत ही हल्का है। इसके साथ मैंने पहना है बिंदी। लिपस्टिक के लिए मैंने वेयर किया है ये शेड, शेड नेम इज 09, आई मीन शेड नंबर इज 09 एंड द शेड नेम इज एक्सप्रेसो ब्राउन। ये एक ब्राउन शेड है, लाइट ब्राउन शेड, नॉट अ डार्क ब्राउन। मामा प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन mamaearth.in। इसके अलावा भी आपको और भी कुछ वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड टू गेट 120% डिस्काउंट ऑन योर परचेज, बट दिस इज ओनली अवेलेबल एट mamaearth.in। अगर मुझे ये वीडियो से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, देन मे बी आई स्टार्ट डूइंग स्टाइलिंग वीडियोज, मे बी आई स्टॉप मेकिंग मेकअप वीडियोज, क्योंकि मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फ्रॉम मेकअप वीडियोस। तो प्लीज़ लेट मी नो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।